हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? वेलकम टू प्रीतिस किचन। मकर संक्रांति है तो सोचा हमारे तरह का यहाँ पे जो बनता है ना खिचड़ी, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो देखिए, इससे सबसे पहले हम लोगों को मूंग है, ये आधी वाटी जितना मूंग था उसको भिगो दिया था। ये मटकी है, मठ जिसे बोलते है ना वो है, अब वो भी आधी वाटी है। चना है 2-3 चम्मच जितना। साथ ही साथ मैंने ये गेहूं पीसा हुआ, दलिया जिसे बोलते हैं ना वो लिया है। इसके जगह पे आप चाहिए तो अक्खा गेहूं भी भिगो सकते हो। साथ ही साथ जवार लिया हुआ है, वो भी 4 चम्मच जितना है। आधा वाटी है तकरीबन सब कुछ। बाजरी है आधा वाटी जितना। मूंग देखा था वो है, और साथ ही साथ वाल लिए हुए। देखो, आपके पास जो भी कठोर कड़धान्य है उसको आपको भिगो देना है। और ये जवार और बाजरी, इसको पीस अपने को उबालने पकने टाइम लगता है ना, इसीलिए हम लोग उसको दरदरा सा पीस के लेंगे। दरदरा सा पीस के लेंगे तो क्या होगा, सब चीजें एक साथ अच्छे से पक जाएगी। और एक बात, आपने साथ में गेहूं अगर भिगोया रहेगा ना, तो आपको गेहूं को भी ऐसे दरदरा सा पीस के लेना है, उसे भी टाइम लगता है पकने के लिए। साथ में सारे के सारे कठोर जो जो आपने भिगोए रहेंगे ना, सभी कठोर को भी आपको कम से कम 8 घंटे के लिए भिगोना है। और साथ ही साथ मैंने मूंग दाल और चावल को 1/2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अभी नमक डालेंगे और जितना कठोर और सब कुछ डूबता है ना, उतना पानी हम लोग को डालना है। और उसके ऊपर 1 इंच जितना पानी है ना, उतना पानी डालना है। और कुकर में कम से कम 6 से 7 सीटी लगानी है, जिसे अच्छे से पक जाए। अभी तड़का रेडी कर रहे, तो इसके लिए सबसे पहले तेल गरम रख दिया, उसमें थोड़ा सा राई के दाने, थोड़ा सा जीरा डाल दिया और थोड़ी सी हींग डाल दी है मैंने। और सारी सब्जियों डालेंगे अभी एक एक करके हम लोग। कड़ी पत्ता डाल रही हूँ और अखा मसाला डालेंगे। तेज पत्ता जो रहता है ना, तेज का पत्ता, वो डाल रही हूँ। दालचीनी का 1-2 छोटे टुकड़े डाल रही हूँ। साथ ही साथ लवंग डाल रही हूँ 2 से 3। अखा लाल मिर्ची डाल रही हूँ। काले मरी 2-4 डाल रही हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने सब्जियों में आप देखोगे ना, तो लाल वाला मिर्ची जो रहता है ना, उसका बारीक टुकड़ा करके लिया है। टमाटर लिए हुए और गाजर लिए हुए, इन सभी के बारीक टुकड़े करके ये तड़का जो है हमने रेडी किया ना, उसमें डाल देंगे कढ़ाई में। और इन सभी सब्जियों को पकने टाइम नहीं लगता है ना, इसीलिए हम लोगों ने वो कठोर के साथ नहीं डाले। देखे, साथ में हरा मटर डाल दिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हो, और सब्जी नहीं पसंद है तो सब्जी के बिगर भी आप बना सकते हो। मगर सब्जी डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये खिचड़ी काफी हेल्दी बन जाएगी ना। पहले से ये हेल्दी तो है ही, क्योंकि हमने इसमें इतने सारे कठोर डाल के बना रहे। साथ ही थोड़ा सा नमक डाल के इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। 5-7 मिनट में तो ये सब्जियां सारी पक जाएगी, इसीलिए ढक के मीडियम फ्लेम पे हम लोग को ये सारा प्रोसेस करना है। फिर मीडियम फ्लेम पे अपने को सब्जियों को पकने देना है। देखो, सब्जी अच्छे से पक चुकी है। अभी क्या करेंगे, वो कठोर जिसको 8-10 सीटी, 6 से 7 सीटी की रहेगी ना, वो भी अच्छे से पक चुके रहेंगे। देखो, वो खिचड़ी हम लोग इसमें डाल देंगे। ये इतना हेल्दी खिचड़ी है, संक्रांत में तो आपके घर पे भी खिचड़ी बनती रहेगी, तो एक बार ऐसी खिचड़ी बना के देखिए, इतनी हेल्दी टेस्टी ये खिचड़ी लगती है ना। हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल दिया, और घर के बेसिक मसाले से इतनी हेल्दी टेस्टी खिचड़ी बनती है ना, यकीन मानिए। आपने एक बार ये खिचड़ी बनाई तो आप हर बार ऐसी खिचड़ी बनाओगे। बच्चे लोग ऐसे जवार बाजरी और कठोर नहीं खाते ना, तो आप ऐसे खिचड़ी के फॉर्म में जब उनको दोगे ना, तो बेहद आसानी से वो लोग खा लेंगे। देखो, अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, एक साथ ज्यादा पानी डाल देंगे ना तो मिक्स करने भी नहीं जमेगा, साथ ही अंदाजा भी नहीं आएगा कितना आपको पानी डालना है करके। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ना तो अच्छे से, और पकी हुई है खिचड़ी, अपने को अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हार्डली 5 मिनट जितना ही अपने को पानी डाल के उबाल के लेना है खिचड़ी को। देखो, अच्छे से मस्त उबाल आ जाएगा ना, 2-6-4, फिर मस्त खिचड़ी रेडी हो जाएगी। और ये खिचड़ी बनने टाइम नहीं लगता है, बेहद आसानी से कोई भी ये खिचड़ी बना लेगा। देखो, साथ ही साथ इसको और टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जितना तेल गरम कर लिया था, उसमें 10-12 कली लहसुन की रहती है ना, उसको कट करके डाल दिया था। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहिए तो कांदा लहसुन बिगर की भी ये खिचड़ी बना सकते हो। मैंने कांदा तो डाला ही नहीं, लहसुन बिगर भी आप ये बना सकते हो खिचड़ी। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल दिया इसमें,
और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर जले ना है ना, इसीलिए पानी डाल रहे हम लोग इसमें, और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके ये तड़का हम लोग अभी खिचड़ी पे डाल देंगे। बेहद टेस्टी खिचड़ी बनी है ये, और आपने देखा ज्वार बाजरी की कितना हेल्दी होता है, और ज्वार बाजरी पकने टाइम लगता है इसीलिए मैंने इसको पीस के डाल दिया। ज्वार बाजरी खिचड़ी, चावल दाल और साथ ही साथ गेहूं, कितना सब कुछ डाल के ये खिचड़ी हेल्दी सी बनी है। देखो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, साथ ही साथ थोड़ी सी कोथमीर के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। और एक बात, आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। देखो कितनी हेल्दी खिचड़ी है बनी है, देखते ही खाने का मन हो जाएगा ना, वैसी ये खिचड़ी है। और हेल्दी तो है ही, इतने सारे कठोर है, सब कुछ है इसमें। देखो एक बार जरूर ट्राई करिए, और आप सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांत। देखिए मस्त बनी है ना खिचड़ी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।